तो हेलो गाइज, कैसे आप लोग। बहुत दिनों के बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो के साथ मिल रहा हूँ। इस वीडियो में मैं यहाँ पे अपने गांव का व्लॉग दिखाने वाला हूँ, यानी कि आज मैं आया हूँ अपने खेत में जो हूँ। और आप लोगों को पता ही, अभी सीजन चल रहा है जो है साग वगैरह खाने का। तो ये देख सकते हो, मैं चना के खेत में हूँ और यहाँ से आज मैं साग तोड़ने वाला हूँ चना का। और यार काफ़ी टेस्टी होता है। आप लोग जो शहर में रहते हो, वो लोग तो 50-60 रुपये किलो चना का साग जो होता है देता है, और वो भी जो होता है 2-3 दिनों का, ताज़ा नहीं रहता। हम सब लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट गाँव में मिलता है, जितना मन उतना तोड़ लो। आप देख सकते हो मैं एक गमछी लेकर के आया हूँ, तो इस गमछी को जो है मैं यहाँ पे बिछा लेता हूँ, कोई यहाँ पे जो है पौधा दबे ना अच्छे से, और इसी पे मैं साग जो है तोड़ करके रखने वाला हूँ। तो इस तरीके से जो है काफ़ी छोटा छोटा तोड़ना पड़ता है, और इसका जो है बहुत सारा बेनिफिट है। और अभी देख सकते हो मैं यहाँ पे जो है इसे तोड़ रहा हूँ। काफ़ी समय लगता है तोड़ने में, कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही, उसके बाद जो खाने में आनंद आएगा। तो अभी मैं फटाफट से जो है इसको तोड़ लेता हूँ एक एक करके, और बाकी बनाने का प्रक्रिया तो मेरे ख्याल से काफ़ी सरल है। पानी में डाल दो इसको, जो होता है सीज जाता है, नमक वगैरह डाल दो। मम्मी बनाती है तो इस तरह से तोड़ तोड़ कर यहाँ पर रखते हैं, और घर में इसका पूरा एंजॉय आएगा। तो फटाफट से हम इसको तोड़ते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। फाइनली यहाँ पे हम साग तोड़ लिए हैं, देख सकते हो लगा 1-1.5 घंटे लग गया तोड़ने में, एक एक करके तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग यहाँ पे जो बांस वगैरह लिए हैं, एक बार जो इसको बोता है तो जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके बाद हम लोग जो यही है साग तोड़ तोड़ कर इसको खाते हैं, साग तोड़ तोड़ के खाते हैं। उसके बाद ये जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसमें फूल वगैरह आने लगता है, तो उस समय दवाई वगैरह देता है, उस समय कोई नहीं तोड़ता है। उसके बाद इसके अंदर जो हरा हरा वाला फल आता है, जिसको हम लोग उखाड़ उखाड़ के उसके बाद सब लोग जो होता है झंगड़ी खाते हैं। बहुत सारे लोग घर में जो होता है इसका बनाते हैं, क्या कहते हैं अभी भूल रहा हूँ, वो सब बनाते हैं, होली वगैरह में बनता है इसका। और उसके बाद जो होता है थोड़ा सा जब गर्मी का सीज़न आता है तो ये पकने लगता है, मतलब जो होता है चना बनने लगता है। तो इसको लोग उखाड़ वगैरह के जो होता है घर में ले जा कर के आग में इसको पका करके खाते हैं, उसको तो ओढ़ा कहते हैं, और उसको काफ़ी मज़ा आता है खाने में। और अभी जो हम लोग साग तोड़ रहे हैं, ये थोड़ा सा ऊपर से तोड़ना पड़ता है, और उसके बाद फिर से ये 2-3 दिनों में वहाँ पे आ जाएगा, तो इससे कोई नुकसान जो होता है इसे नहीं होता है, और सब लोग खाते हैं। और मेरा एक और भतीजा लगता है, ये भी आया था तो ये चढ़ गया है, और अभी मैं भी चढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे नीचे गड्ढा था, जो आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे खेती में आकर के क्या कर रहा है, तो यहाँ पर जो है कि मैं दूसरे को खेत दिया हूँ, वो जो होता है आधा वो खुद रखता है और आधा हम लोगों को देता है। तो इससे जो होता है जो भी उसमें दवाई वगैरह का खर्चा, जो पानी वगैरह, अभी तो यहाँ पे पानी वगैरह बारिश वगैरह नहीं हुआ है, तो मोटर वगैरह से तो उसका खर्चा वगैरह जो निकलता है आधा आधा दोनों देते, उसके बाद आधा आधा जो होता है जो भी उपजता है वो मिल जाता है। पापा दिल्ली में रहते हैं तो इसी कारण से खेती वगैरह मैं नहीं करता हूँ। तो अपना खेत है तो साग वगैरह तो तोड़ करके ले जा सकते हैं, बाकी एजुकेशन तो अलग बात है, वो चलता ही रहता है। ये भी यहाँ पे थोड़ा सा जो है साग ये भी तोड़ लिया है, ये कम तोड़ पाया है, कोई बात नहीं, इसको घर में हम दे देंगे, और बाकी आगे का जो है काम मम्मी करेगी, वो जो है इसको काटेगी बनाएगी, फिर इसको जो महीन करेगी वो सब आगे काम करेगी। उसके बाद हमें जो है सिर्फ खाना है। मेहनत इसमें भी लगता है यार, तोड़ने में काफ़ी मेहनत लगता है। बहुत लोग आते हैं जड़ से उखाड़ देते हैं, वो बर्बाद हो जाता है, ऐसा मत करिए। थोड़ा सा खेसारी का साग तोड़ना है आप खेसारी के खेत में, और जो खेसारी का साग होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, चना वाले से डिफरेंट होता है, और ये उतना फ़ायदा नहीं करता है बट काफ़ी मज़ा आता है। और आते के साथ ये देखो बोल रहा है कि चलो इसको भी जल्दी तोड़ लेते हैं। तो चलो तोड़ लेते हैं, तो चलो इसको भी तोड़ के अब डायरेक्टली घर जाते हैं, उसके बाद बनाते हैं, तो उसके बाद डायरेक्टली आप लोग को दिखाते कि कैसा बनता है। अभी हम खाना खाने बैठ गए हैं, तो यहाँ पे जो है ये है चोखा, और ये है साग जो कि हम तोड़े थे, और ये है गांजा चावल, और ये है दाल। तो ज़्यादा तो हमारा वेस्ट यही तीनों है। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।